हाँ बेटा क्लास शुरू करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ बेटा। पहले एग्जाम्पल नंबर 5 इसके बाद में समझाएंगे बेटा आपको, पहले 6 देखो। 6 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं पहले। 6 में बेटा आपसे बोला गया है 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर n - 5 इज डिविजिबल बाय 24। 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर n इसमें हो रहा है बस। ठीक है बेटा, क्वेश्चन जो दिया है वो देखो, 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर n, फिर आगे दिया है -5 इज डिविजिबल बाय 24। -5 -5 इज डिविजिबल बाय 4, यही कहा है शायद, 24 है बेटा, 24। स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, हमें ये प्रूव करना है कि जो नंबर दिया है ये दोनों खराब कोई हो ना। देखो हमें क्या करना है बेटा, इसमें ये प्रूव करना है कि जो आपके पास इधर एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल हो 24 से। तो ये हम कैसे समझेंगे कि ये 24 से डिविजिबल है या नहीं, देखते हैं। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो हम कैसे पता करते हैं, जैसे देखो अगर 24 8 से डिविजिबल है, मुझे प्रूव करना है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अगर 24 को मुझे प्रूव करना है कि ये 8 से डिविजिबल है तो कैसे पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये पता करते हैं जिससे डिविजिबल की आप बात करते हो उसका कुछ मल्टीपल हो, उसका कुछ मल्टीपल हो बेटा। ठीक है चलो, इसके बाद में जैसे मैं कहूँ 15 है, क्या वो 5 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि 5 15 का मल्टीपल है, 15 है जो 5 का मल्टीपल है, सॉरी। तो हाँ देख, हम इसको फैक्टराइज करेंगे या इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने पे जिस नंबर से डिवाइड किया बात करते हो वो नंबर उसका फैक्टर होना चाहिए, या 15 है वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 5 का। आगे बात समझ में, चलो ऐसे ही यहाँ पे ये इस पूरे नंबर की बात कर रहा है, तो ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल किससे, 24 से। तो मैं ये प्रूव कर दूं 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर n - 5 अगर ये 24 से डिविजिबल है तो ये 24 का कोई मल्टीपल होगा। चलो k तो हटा दो, कुछ लगा दो, दूसरा a लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि हमें प्रूव करना है कि जो एक्सप्रेशन दिया है ये 24 से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे बेटा, ये देखते हैं। तो 24 से डिविजिबल है या नहीं बताओ। करते हैं इसको, सबसे पहले हम क्या करें, हमने स्टेटमेंट बना लिया है। स्टेटमेंट बनाने के बाद हाँ बेटा, हमने एक स्टेटमेंट बना लिया है। अब स्टेटमेंट बनाने के बाद क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले पहले स्टेप n = 1 रखेंगे तो क्या आपका LHS और RHS इक्वल है या नहीं। बात इतनी सी है, 24 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो 2 इंटू
सेवन की पावर वन प्लस थ्री इंटू फाइव की पावर वन माइनस फाइव, तो ये 14 आ गया, ये 15 आ गया माइनस फाइव, तो बेटा ये 24 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने n की जगह, हाँ बेटा आ गए सारे, क्रिश्चन पलसानिया इज प्रेजेंट, वेरी गुड बेटा। देखो हमें क्या बताना है इसमें कि आपने n इक्वल्स टू वन पुट किया, और जैसे ही n इक्वल्स टू वन पुट किया है तो जो लिखा हुआ है, जो ना आपके पास रिजल्ट आएगा वो 24 या 24 का कुछ मल्टीपल आना चाहिए। तो आया पहला सही है, चलो सेकंड स्टेप है आपकी, आप मानते हो n इक्वल्स टू k के लिए, तो मानेंगे तो क्या आएगा, तो 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5 इक्वल्स टू 24a, ये हमने मान लिया है। अब थर्ड स्टेप करेंगे बेटा, तो फटाफट देखो इधर थर्ड स्टेप में क्या करना है। बेटा थर्ड स्टेप है आपकी, ध्यान दो, थर्ड स्टेप में हमें प्रूव करना है n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो जो आपका स्टेटमेंट है बेटा वो आएगा 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 टू पावर k प्लस 1 माइनस 5। ये जो एक्सप्रेशन है ये 24 का मल्टीपल हो, तो ये 24 का मल्टीपल है या नहीं, कैसे करेंगे, करते हैं इसको सोल्व करते हैं आगे, तो क्या आएगा, ये 2 ऐसे कैसे 7 की पावर k इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 5 माइनस 5, ये आ गया बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं किसी टर्म की, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ क्या, 2 इंटू 7 की पावर k, 2 इंटू 7 की पावर k, तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूँगा तो बेटा 2 इंटू 7 की पावर k है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये सारे के सारे पार्ट उधर चले जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 24a माइनस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस, बेटा ध्यान से देखना ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको, जो मैंने लिखा है मैंने केवल और केवल 2 इंटू 7 की पावर k इसकी वैल्यू निकाली है यहाँ से, और ये वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो बाहर क्या है मल्टीप्लाई में, 7 प्लस 3 इंटू 5 मतलब 15 हो गया ना, 15 लिख लेते हैं बेटा, 5 की पावर k माइनस 5, इतना आ गया। चलो अब इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, ब्रैकेट को खोलेंगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, 24a इंटू 7, एक तो ये आ गया, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ गया इंटू 5 की पावर k प्लस 35 आ गया प्लस 15 इंटू 5 की पावर k माइनस 5, इतना आ गया। चलो ये ऑलरेडी 24 का मल्टीपल है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें तो 24 है। तो बचे हुए पार्ट को देखते हैं, ये तो 24 इंटू 7a ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, अब इनको देखो बेटा जो 5 की पावर k है, 5 की पावर k कितने हैं, देखो 5 की पावर k क्या बचेगा आपके पास, इसमें से माइनस करो क्या आया 30, बेटा ये आ गया आपके पास में माइनस, और ये 5 6, 5 की पावर k प्लस 30। चलो इसको लिख लो बेटा फटाफट, इसके बाद एक छोटी सी स्टेप है वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको नोट कर लो बेटा, सारे बच्चे सुन रहे हो मेरी बात को, एक बार मुझे नज़र आओ, कौशिक, राहुल, संजय, जोगेंद्र, तन्वी, आदित्य, आपने लिया है
नोट कर लिया आपने? ठीक है बेटा, बताओ जल्दी से बताओ, इतना आपको दिया गया है या आपने जबरदस्ती छीन के लिया है? बताएगा कोई बच्चा? अरे ऋण पूरा ही मिटा दिया मैंने तो बेटा। लास्ट लाइन बेटा, लास्ट लाइन बताओ, मैंने तो मिटा दिया पूरा ही। अच्छा ये थी, चलो देखो, 7 × 24 6 × 5 की पावर के, ऐसा कुछ था लास्ट लाइन बेटा, ये थी आपकी। ठीक है जल्दी से देखो, हमें क्या करना था कि हमें इसको प्रूव करना था कि इसमें 24 आए, कॉमन आए, कैसे आएगा? देखो इसमें 24 कॉमन कैसे आएगा, हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर ये 24 ए है, ऐसे कैसे माइनस, अब मैं इसमें 6 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा मेरे पास 5k-5, इतना आ गया बेटा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए p मान लेता हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया 24 7a-6p। आपको पता है p किसको माना है हमने? हमने बेटा p माना है 5k-5 को। जिसको p माना है उसकी बात करते हैं, हमने बेटा P मान लिया है 5k-5 को। तो जिसको P माना है उसकी बात करते हैं, क्या बात करें उसकी, देखो कि अगर आप यहाँ पे K की वैल्यू 1 पुट करते हो, K की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपका P कितना आएगा? 0 आएगा, 0। ठीक है चलो, जब हम k की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आपका p कितना आएगा? 5k-2, 25 25-5 20। आई कि नहीं आई बात समझ में? फिर इसके बाद k की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो बेटा क्या आएगा? k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपका जो p आएगा 125-5 120, ये आएगा बेटा आपके पास। तो हम इसकी हेल्प से क्या बोल सकते हैं? तो हम इसकी हेल्प से बेटा ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हर नंबर 4 का मल्टीपल है, हर नंबर 4 का मल्टीपल है। जो P है आपका वो 4 का मल्टीपल है या नहीं है? हर नंबर है, जीरो वाले से तो मतलब ही नहीं है, जीरो तो होएगा ही होएगा हर किसी का। वैसे आप k इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करो या मत करो, क्योंकि वो काम तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? k की वैल्यू आप 1 नहीं माने, क्यों? 1 के लिए आपने सबसे पहले क्वेश्चन में चेक कर लिया, तो k की वैल्यू तो 1 से तो ज़्यादा ही लेंगे। अब k की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा ही लेंगे। तो बेटा देखो, अब ये नंबर भी 4 का मल्टीपल है, 120 भी 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब हमने ये देखा कि जो P है वो 4 का मल्टीपल है। 4 × q लिख देता हूँ, 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब इसमें 6 तो पहले से बाहर था, ये 24 × 7a है। अब हम ये कहें कि लास्ट लाइन 24 × 7a-24q, तो क्या पूरी की पूरी लाइन में 24 कॉमन आ सकता है? आ सकता है बिल्कुल, 7a-q। तो अब हमने देखा कि जो एक्सप्रेशन था उस पूरे में 24 कॉमन आया। तो बेटा पूरे में अगर 24 कॉमन आया है तो हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं यहां पे क्या, कि ये जो टर्म दिया हुआ है 24 का मल्टीपल है, मतलब 24 से डिविजिबल है। आ गई बात समझ में? जल्दी से नोट कर लो, बाकी बाद में करते हैं। इसके बाद करते हैं बेटा, करो इसको नोट फटाफट।
चलो बेटा नोट कर लिया तो बताओ आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, नोट कर लिया है आपने, शाबाश। चलो अब हमने सिक्स कर लिया, सेवन भी देख ही लेते हैं। चलो मैंने कुछ बताया था ना इक्वेशन टाइप का, सेवन भी देख लेते हैं। सेवन में क्या दिया है देखो, सेवन में दिया है प्रूव दैट वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर एन स्क्वायर तक जाओ। क्वेश्चन नंबर सेवन, वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर कहाँ तक जाओ, एन स्क्वायर तक। और ये नंबर जो लिखा हुआ है एन क्यूब बाय थ्री, इससे बड़ा हो और आपका जो n है वो हमेशा कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। n कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। देखो ध्यान से क्या आएगा। तो बेटा हम इसमें देखते हैं फॉर n इज इक्वल्स टू वन, जल्दी जल्दी देखते हैं ना, बहुत आसान है, थर्ड स्टेप में समझ लेंगे इसको। एन इक्वल्स टू वन मतलब वन और ग्रेटर देन वन बाय थ्री, ये बिल्कुल करेक्ट है। एन इक्वल्स टू के, वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर चलते जाओ, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन के क्यूब बाय थ्री। स्टेप नंबर थर्ड, फोर के प्लस वन, वन स्क्वायर टू स्क्वायर चलते जाओ के स्क्वायर, लेकिन इसके बाद हमें लिखना है के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपने लिख दिया है, लेकिन अब इस लिखे हुए को आपको प्रूव करना है कि ये पूरा का पूरा टर्म जो आपने लिखा है थर्ड स्टेप में वो किससे बड़ा हो, के प्लस वन बाय थ्री इससे बड़ा हो, नीचे लिखा हुआ टर्म इससे बड़ा हो। तो इसको बड़ा प्रूव कैसे करेंगे हम, तो बड़ा प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, जो पता है वो लिखते हैं बस, करना क्या है हमें, तो केवल इतना पता है वन स्क्वायर टू स्क्वायर और के स्क्वायर, ये बड़ा होता है सर के स्क्वायर के क्यूब बाय थ्री से, हमें तो बस इतना पता है, इतना ही तो पता है। तो आगे कैसे करें देखो, हम इसका LHS लाने के लिए इसमें दोनों तरफ k प्लस वन का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया LHS, k स्क्वायर प्लस k प्लस वन का होल स्क्वायर। और इधर k क्यूब बाय थ्री है, इधर भी मैंने k प्लस वन का होल स्क्वायर ऐड कर दिया बेटा। आई की नहीं आई बात समझ, आप कह सकते हो कि सर ये वाली चीज़ जो आप बड़ी प्रूव करवाना चाह रहे हो LHS वाली, ये तो इससे बड़ी आई है, हमें तो इससे करनी थी, क्या करें। आई बात समझ में, कैसे करते हैं देखो, वन स्क्वायर टू स्क्वायर जो भी है ये बड़ा है किससे, के क्यू प्लस थ्री इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर बाय थ्री, इससे बड़ा आ गया ये तो आपका जो LHS है, आना किससे चाहिए, इससे बड़ा। इस एक्सप्रेशन को खोलें तो क्या मिलेगा, के क्यू प्लस थ्राइस ऑफ के स्क्वायर टू के प्लस वन, और खोलते हैं सिक्स के, आपने तो इससे बड़ा कर दिया प्रूव, इससे बड़ा प्रूव कर दिया है, लेकिन करना किससे था, के क्यू थ्री के स्क्वायर थ्री के, इससे बड़ा करना था। तो हमने जो LHS लिया है वो बड़ा प्रूव करना था किससे, इससे, और कर किससे दिया, इससे, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो केवल इतना समझो कि जो दो पार्ट हैं, एक तो ये और एक ये, इनमें कौन बड़ा है,
बताओ। फटाफट इसका जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है ना वो नोट कर लो, फिर करते हैं आगे ना। जल्दी से नोट कर लो बेटा। देखो बेटा ध्यान से, जो प्रूव करना था वो देखते हैं। K प्लस वन का होल की वैल्यू, हमें जो LHS बड़ा प्रूव करना था वो किससे करना है? आपका जो LHS है वो बड़ा आया है किससे? K क्यूब। लेकिन आपको पता है कि ये जो बीच में लिखा है ये नंबर इससे तो बड़ा है। ये मैंने जो लाइन लिखी है आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में बेटा? बताओ फटाफट रिप्लाई करो, ये जो लिखा है स्टेटमेंट ये समझ में आया कि नहीं आया? कर लिया बेटा? बताओ। देखो इन दोनों में कैसे कंपेयर किया, ये देखो के क्यूब है, के क्यूब है, थ्री के स्क्वायर, थ्री के स्क्वायर, यहाँ सिक्स के आ गया, ये तो थ्री के ही रह गया, वन वन, तो सिक्स के की वजह से ये नंबर बड़ा हो गया क्योंकि नीचे वाला पार्ट दोनों का सेम है, तो इस वजह से आपका ये नंबर बड़ा हो गया इससे। जब ये नंबर बड़ा है तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मान लो 40 है, ये 30 हो गया अपने आप, और ये नंबर इससे बड़ा है तो ये 50 हो गया। मुझे तो 30 से 50 प्रूव करना था, तो अगर मुझे पता चल जाए कि 30 है वो 40 से छोटा है और 50 40 से बड़ा है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 50 है वो बड़ा है किससे? 30 से। तो हम ये बात इसकी हेल्प से मीडिएटर बना के प्रूव करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो जैसे आप ये लिखोगे तो ये ग्रेटर देन ये हो गया प्रूव। चलो लिखो फटाफट। हाँ बेटा नोट कर लिया? एग्जाम्पल 8 देख लो। नोट कर लिया तो बता दो किया कि नहीं किया। हाँ बेटा देख लो फटाफट। LHS था, RHS से बड़ा प्रूव करना था, हमने क्या किया n इक्वल टू वन के लिए क्या, n इक्वल्स टू के लिए क्या, तो
ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एन इक्वल्स टू वन और एन इक्वल्स टू के। जब हम एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए करते हैं तो हमारे पास जो एल एच एस आएगा वो ये कुछ आएगा। ये बड़ा प्रूव करना था, तो लेकिन हमें केवल इतना पता था कि वन से लेकर के स्क्वायर तक वाला टर्म इससे बड़ा है, तो हमने दोनों तरफ के प्लस वन का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। तो आपका एल एच एस तो पूरा आ गया, ये एल एच एस चल रहा है आपका, ठीक है, एल एच एस कम्प्लीट आ गया, लेकिन इधर तो कैलकुलेट करने पर ये आया, मतलब आपको करना कुछ और था, आप कुछ और गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो प्रूव करना था एल एच एस वो बड़ा होना चाहिए, तो आपका तो इससे आ गया बड़ा, जबकि प्रूव किससे करना था, इससे करना था। यहाँ जब एन की जगह के प्लस वन पुट करोगे तो ये आएगा यहाँ तक, तो इससे बड़ा प्रूव करना था और आ इससे बड़ा गया। तो हम क्या करते हैं, जिन जिन से बड़ा आया है उन दोनों को एक साथ देखते हैं, तो उन दोनों में बड़ा कौन है। तो मैंने पहले तो ये लाइन लिख दी कि एल एच एस इज़ ग्रेटर देन दिस, एल एच एस इज़ ग्रेटर देन दिस, लेकिन मुझे पता है कि जिससे बड़ा प्रूव करना था वो नंबर तो इससे छोटा है। कैसे पता चला, के क्यूब कंपेयर किया, थ्री के स्क्वायर सेम है, सिक्स के यहाँ आ गया, यहाँ थ्री के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्स के तो बड़ा है, थ्री के छोटा है, सिक्स के बड़ा है, थ्री के छोटा है, तो मतलब ये नंबर बड़ा है इससे। तो सिंपल सी बात है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो ये जो शुरू वाला है वो लास्ट वाले से बड़ा डायरेक्ट हो ही जाएगा, बोल देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर एट क्या बोल रहा है बेटा, एग्जाम्पल नंबर एट बोलता है, इसके अंदर दिया हुआ स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत आए, तो पहले क्वेश्चन को रिपीट किया करो, आप सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन रिपीट किया करो। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर एट क्या बोल रहा है, प्रूव दैट रूल ऑफ एक्सपोनेंट ए बी होल पावर नाइन इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू ए एन बी एन। आपको ये इसी मेथड से प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं हम, एन इक्वल्स टू वन जब इसके लिए करेंगे तो ए बी की पावर वन ए इंटू बी, दोनों सेम है मतलब ट्रू है। फॉर एन इक्वल्स टू के सेकेंड स्टेप के लिए करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, ए बी होल पावर के एज टू पावर के एंड बी टू पावर के। जब हम थर्ड स्टेप करेंगे फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन तो क्या आएगा, देखो ए बी एल एच एस तो यही है बस, एल एच एस को ही तो सोल्व करना है, आर एच एस से लेके आना है। तो जब एल एच एस को बेटा सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बी होल पावर के प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं ए बी होल पावर के और ए बी होल पावर वन। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आ गया बेटा। इसके बाद देखते हैं बेटा, ए बी की जो होल पावर के है वो क्या दे रखी है सेकेंड स्टेप में, ए बी की होल पावर बेटा हमें दे रखी है ए की पावर के एंड बी की पावर के। तो बेटा ये दे रखी है ए इज टू पावर के बी इज टू पावर के, आगे लिखा हुआ है ए और बी। बेटा चारों टर्म मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है, चारों मल्टीप्लाई में है। और जब चारों टर्म मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, ए की पावर के इन टू ए और ये लिख सकते हैं
तो यहाँ से इसको हम क्या लिखे, कंबाइंड करके ए की पावर के प्लस वन और बी की पावर के प्लस वन आ गया बेटा इतना। अब हम क्या करते हैं ध्यान से देखो, अब हम बेटा इसके अंदर RHS जो है वो आपका क्या है, तो बेटा जो RHS है आपका वो RHS तो ये है एज टू पावर एन बी एज टू पावर एन, तो जब यहाँ एन की जगह क्या क्या रखेंगे के प्लस वन, तो एज टू पावर के प्लस वन एंड बी इज टू पावर के प्लस वन ये आ गया। तो बेटा देखो ध्यान से क्या दोनों सेम आए हैं LHS और RHS, ये आपका LHS रहा ये आपका RHS रहा, ठीक है दोनों के दोनों के आ गए सेम, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया है। ठीक है आप इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है जल्दी से नोट इसको नोट कर लेना आप लोग, आज की क्लास केवल यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।